भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। पर ओम नमः शिवाय के प्रभावी मंत्र का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मंत्र का हम पहले भी प्रयोग कर चुके हैं। हाँ श्री गणेश, ओम नमः शिवाय का प्रभावी मंत्र सुनकर ये दुष्ट और भी उत्पाती, विध्वंसक और अत्याचारी हो जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री महागणेश शक्ति प्रकट करें। श्री महागणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। गणेश की जय। भूषण बच्चू, श्री महागणेश की कृपा से अब नीचे आ जाओ। आजा, अति सुंदर, आजा, आजा, आजा। आ गया बच्चू। मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता। मूषक बच्चू, अब मैं तुझे देखता हूँ। आजा बच्चू। आजा। एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की। एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की जय। मुझ श्रापित का उद्धार करें श्री गणेश, मुझ श्रापित का उद्धार करें। आपके चरण कृपा पाकर ही मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। श्री गणेश, मेरे अपराध क्षमा करें। आपके हाथों उद्धार पाने के लिए ही मैंने यह भयानक उत्पात मचाने की दृष्टता की। हे एकदंत दयावंत, मेरे अपराधों को क्षमा करें। क्रौंच गंधर्व, अपने अपराधों की क्षमा मुझसे नहीं, ऋषि पराशर और माता वत्सला से मांगो। क्षमा मांगो इन शिष्य गणों से, जिसे तुमने बहुत पीड़ा पहुंचाई है। अपने अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, किंतु ऋषियों का स्वभाव क्षमा रूपी तत्व से निर्मित होता है। इस कारण मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब मुझे क्षमा कर देंगे। श्री गणेश, मुझ पापी अत्याचारी को आप अपने चरणों में शरण दे, जिससे हम पुनः ऐसा अपराध करने का दुस्साहस न कर सके और ना ही पुनः मुझे श्रापित होना पड़े। ऋषिवर, क्या आप क्रौंच गंधर्व के श्रापित होने का कारण नहीं जानना चाहेंगे? श्री गणेश, जब इसने स्वयं क्षमा याचना कर ली है, तो हम इसके अपराधों पर विचार क्यों करें? श्री गणेश, आप भी गंधर्व क्रौंच के अपराधों को क्षमा करें तथा उस पर दया करते हुए उसके प्रार्थनाओं को स्वीकार करें तथा अपने दयावंत नाम को सार्थक करें। गंधर्व क्रौंच, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करना तभी संभव होगा जब तुम निरंतर हमारे साथ रहोगे, और तुम हमारे साथ निरंतर तब रह सकते हो जब तुम हमारे वाहन बन जाओ। हम तुम्हारे खाने
और कुतरने के स्वभाव से परिचित हैं। अग्र पूजा के समय हमारे भक्त जब हमें मोदक और लड्डुओं का स्वादिष्ट भोग समर्पित करेंगे तब उसका कुछ भाग तुम्हें भी प्राप्त होगा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपका वाहन बनकर आपको अपने मस्तक पर विराजमान कर सारे संसार में घूमूंगा। हमें अपने सिर पर आसन करके क्या तुम संसार के हंसी के पात्र बनने के इच्छुक हो? तुम हमारे वाहन तभी बन सकते हो जब तुम पूर्ण मूषक बन जाओ। मूषक वाहन बनने पर ही तुम्हारे हमारे साथ निरंतर रहने की इच्छा पूर्ण होगी, साथ ही हमारे स्वादिष्ट भोग का एक भाग भी प्राप्त होगा। जो आज्ञा श्री गणेश, यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं क्रौंच गंधर्व आपकी सेवा में मूषक रूप में प्रस्तुत हूँ। मेरी सेवाओं को स्वीकार करें अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश। किंतु क्या क्रौंच? हे दयावन, यदि आप मेरे अपराधों को निश्चित रूप से क्षमा कर चुके हैं तो आदरणीय ऋषि पराशर जी के आश्रम को अपनी दिव्य शक्ति से पूर्ववत कर दें। अब तुमने हमारे वान बनने जैसी बात कही है। दयावंत गजानन श्री गणेश की जय। एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की जय। आपकी कृपा पाकर मैं धन्यवाद श्री गणेश। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। हे एक दंत दयावंत श्री गणेश, मेरे पीठ पर विराज कर मेरे सौभाग्य में वृद्धि करें। आइए श्री गणेश, आइए। मूषक वाहनपति श्री गणेश की जय। 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 संगीत का क्रौंच गंधर्व, तुम मूषक रूप में होते हुए भी एक गंधर्व और महान संगीतकार हो। अपने संगीत के सुरों के समान अपने गति को बढ़ाओ और हमारी यात्रा संगीतमय करो। जैसी आपकी आज्ञा श्री गणेश। और तीव्र गति से चलो मूषक। नारायण नारायण। मूषक वाहनपति श्री गणेश की जय। 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 हमने कहा था ना देवी पार्वती, श्री गणेश के पराशर आश्रम से लौटते ही आपकी हर जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता श्री। आपका आशीर्वाद सफल हुआ पिताश्री। यह मूषक अर्थात क्रौंच गंधर्व स्वेच्छा से मेरा मूषक वाहन बन गया है। क्रौंच अपना वास्तविक रूप धारण कर देवादिदेव महादेव
और देव देवेश्वरी महादेवी को प्रणाम कर अपना जीवन सफल करो। जो आज्ञा श्री गणेश। हे महादेव, हे महादेवी, आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। अपने सौभाग्य पर मुझे विश्वास नहीं होता। सत्य तो ये है कि श्री गणेश के दिव्य चरणों का स्पर्श पाकर जब से मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ, तब से मेरे सौभाग्य में और वृद्धि हो गई है। मैं धन्य हुआ प्रभु। श्री गणेश के द्वारा श्राप मुक्त होना और श्री गणेश को मूषक वाहन प्राप्त होना, ये सभी कुछ विधि के विधान के द्वारा निर्धारित था। देवी पार्वती, तुम्हारे तेजस्वी पुत्र बिना वाहन के भला कब तक रह सकते थे? यदि तुम अधिक समय तक क्रौंच गंधर्व बने रहोगे तो तुम अपना मूषक स्वरूप और स्वभाव भूल जाओगे। जो आज्ञा श्री गणेश। आगे हो तो मैं अपने भैया कार्तिकेय के दर्शन करने दक्षिण देश श्री शैल आश्रम हुआ हूं। पुत्र को पुत्र से, भाई को भाई से मिलने की आज्ञा दो देवी पार्वती। स्वामी, कहीं अपने बड़े भाई की भांति पुत्र गणेश भी वहीं के होकर न रह जाएं। चिंता न करें माताश्री, मैं वहां वाले को यहां लेकर आऊंगा। जाने से पूर्व कुछ खा लो पुत्र, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि तुम्हें अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं है। नहीं माता, मुझे भूख उतनी ही लगती है जितनी मैं सहन कर सकूं। उसके पश्चात यदि भूख लगी तो आपकी और पिताश्री की कृपा से मैं भूख शब्द का अस्तित्व ही पूर्ण रूप से मिटा दूंगा। अभी तो मात्र भैया कार्तिकेय के दर्शनों की भूख मुझे विचलित कर रही है। चलो क्रौंच। मूषक वाहन पति श्री गणेश की जय। मूषक वाहन पति श्री गणेश की जय। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ॐ 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 नमः शिवाय। हे पिताश्री, हे माताश्री, मैंने अपने अनुज भ्राता गणेश को देखा तो नहीं, किंतु उससे मिलने के लिए मेरा मन सदा व्याकुल रहता है। जब से देवर्षि नारद ने मुझे ये समाचार सुनाया है, तब से मेरा मन नियमित शिव आराधना में भी नहीं लगता। मेरी व्याकुलता का अंत करे पिताश्री, मेरे चित्त को शांति प्रदान करे पिताश्री, मुझ पर कृपा करे पिताश्री। हे जगत जननी माता, अपने पुत्र की व्याकुलता का शमन करे। पुत्र कार्तिकेय, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। चिंता न करो पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे अनुज श्री गणेश का शीघ्र ही तुमसे मिलन होगा। हमें भलीभांति ज्ञात है कार्तिकेय कि तुम इस मिलन में विलंब का कारण जानने के इच्छुक हो। आप सत्य कह रहे पिताश्री। सुनो कार्तिकेय, भाई भाई के मिलन में इस विलंब का कारण है तुम्हारे पास अपना कोई वाहन ना होना। वाहन? मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। पुत्र, जब तक हम तुम्हारे लिए किसी वाहन की व्यवस्था नहीं करते, तब तक तुम भला कैलाश कैसे आ सकते थे? शिव कृपा पाकर तो मैं क्षण मात्रा में ही कैलाश पहुंच सकता हूँ पिताश्री। अवश्य, किंतु कब तक तुम शिव कृपा पर आश्रित रहोगे?
शिव कृपा पर आश्रित रहना तो हर जीव का परम कर्तव्य है, और मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य क्या हो सकता है कि मुझे देवाधिदेव भगवान शिव और जगत जननी महादेवी माता पार्वती का पुत्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो सदा सदा शिव कृपा पर ही आश्रित रहने का इच्छुक हूँ पिताश्री। महर्षि अगस्त्य के संरक्षण में तुम्हारी बुद्धि और विवेक का समुचित विकास हुआ है। पुत्र कार्तिकेय, धर्म के अनुकूल उत्तर देकर तुमने हमें निरुत्तर कर दिया। जब पुत्र अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है तो माता पिता को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पुत्र का उत्साह और अधिक बढ़े। कुमार, तुम्हारे धर्म अनुकूल उत्तर को सुनकर हम तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल ही तुम्हें एक वाहन पुरस्कार में देते हैं। महादेव शिव और महादेवी पार्वती की इच्छा और आज्ञा से मैं मयूरदेव आपका वाहन बनकर प्रकट हुआ हूँ। आप मुझ पर आसीन होकर तीनों लोकों में भ्रमण कर सकेंगे। मेरी सेवाओं को स्वीकार करें स्वामी। मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय, अपने मयूर वाहन पर आसीन होकर मुझे कृतार्थ करें। पधारे स्वामी। पिताश्री, माताश्री, मैं आपकी कृपा पाकर धन्य हुआ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र कार्तिकेय। आए स्वामी, शीघ्र पधारें। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की। 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 और वाहनपति कुमार कार्तिकेय की। और वाहनपति कुमार कार्तिकेय की। महर्षि अगस्त्य ऋषि और मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की। प्रणाम गुरुवर। प्रिय शिष्य कुमार कार्तिकेय, आशुतोष भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हें ये दिव्य मयूर वाहन प्राप्त हुआ है। जानते हो ये किस बात का संकेत है? नहीं जानता गुरुवर। तुम्हें शीघ्र ही अपने माता पिता को धन्यवाद देने और अपने अनुज गजानन श्री गणेश से भेंट करने हेतु कैलाश जाना होगा। गजानन श्री गणेश की। 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 गजानन श्री गणेश की।